और अपने मौसी माँ के घर से विदा होकर महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी सुभद्रा देवी और बलभद्र भगवान अपने घर को लौटाए हैं। इस मौके पर सरिया में धूमधाम से रथ यात्रा निकाल कर प्रभु को मंदिर लाया गया, जिसके बाद से सभी मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाएंगे और देव उठने पर मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाती है। महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी आषाढ़ शुक्ल दसवीं पर अपनी मौसी माँ के घर से खुशहाल होकर विदा हुए। इस विदाई वेला पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ को अपने श्री मंदिर में पहुंचाने के लिए रथारूढ़ किया। जगन्नाथ मंदिर के पास ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के मौसी का घर है। दसवीं के दिन महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा देवी को भक्तिमय माहौल के साथ विदाई दी गई। इस बेला में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर महाप्रभु को रथारूढ़ किया। इस पावन बेला पर महिला श्रद्धालुओं की अपार भीड़ रही। सुबह से ही मौसी माँ के घर से महाप्रभु का पूजा अर्चना किया गया। व्रती महिलाएं भजन कीर्तन के साथ महाप्रभु की भक्ति में लीन थे। दोपहर 3 बजे ग्राम गोटिया मिनकेतन प्रधान तथा नगर पंचायत उपाध्यक्ष अरुण सराप दसवीं रथ यात्रा में मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी नवल किशोर दास ने यजमान से पूजा पाठ कराकर भगवान जगन्नाथ की परिक्रमा कराकर रथारूढ़ किया। इस दौरान महिला श्रद्धालुओं में महाप्रभु के दर्शन एवं चरण स्पर्श के लिए होड़ लगी रही। नगर तथा आसपास के श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ के कारण इस बार दसवीं रथ यात्रा उमंग एवं उल्लास के साथ मनाया गया। वहीं ग्रामवासी और नगर वासियों ने मत्था टेका और नगर एवं अंचल की सुख समृद्धि की कामना की। सरिया की परंपरा रही है कि यहाँ की बड़ी रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर के बाद छोटा रथ सोनार पारा से निकालने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसके कारण भगवान जगन्नाथ को भव्यता प्रदान करने के लिए महिला श्रद्धालुओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की फूलों की माला पहनाकर मौसी माँ के घर से सकुशल विदाई दी गई। वहीं शाम 6 बजे महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा देवी को नगर के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ विराजमान किया गया। आज सरिया नगर के पुरातन मंदिर जगन्नाथ मंदिर में बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ लोगों की भीड़ उमड़ी और अपनी आस्था व्यक्त करते हुए आज दसवीं रथ पर्व मनाया गया। और हमारा सरिया क्षेत्र कृषि बाहुल क्षेत्र है। भगवान जगन्नाथ स्वामी से हम ये प्रार्थना करते हैं कि इस क्षेत्र में हरियाली और खुशहाल हो और साथ में इंद्र देवता से भी हम सहृदय करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए भी अपना अनुग्रह या कृपा रखें। और साथ में आज से भगवान जगन्नाथ मौसी अंदर गए हैं, आज से मांगलिक कार्य बंद है। आगामी कुछ महीने बाद देव उठने के बाद मांगलिक कार्य फिर से शुरू की जाएगी। आज दसवीं रथ के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों, सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और चूंकि आज हम दसवीं रथ में शामिल हुए, हमारा सौभाग्य है। और चूंकि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और मैं भगवान जगन्नाथ स्वामी से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस क्षेत्र में पूरे भारत में अच्छी वर्षा हो, अच्छी फसल हो, किसान समृद्ध हो, लोग समृद्ध हैं हो, इसी कामना के साथ हम भगवान जगन्नाथ स्वामी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो हमारे क्षेत्र, हमारे देश को सुख समृद्धि से भरपूर करें। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से शुरू हुई प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा आज देवसेनी एकादशी के दिन समाप्त तो होती है। प्रभु आज के दिन वापस पुनः अपने घर, अपने मंदिर में विराजमान होते हैं। इस 9 दिन के रथ यात्रा के दौरान हमारे सरिया के सभी नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर भगवान की पूजा अर्चना में भाग लिया और सभी ने अपने परिवार, अपने गाँव की खुशहाली के लिए प्रभु से प्रार्थना की। मैं इस रथ यात्रा के पावन पर्व पर सभी नगरवासियों को बधाई और शुभकामना देता हूं और प्रभु श्री जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। यहां पर जय जगन्नाथ समिति हमारी टीम आई हुई है। हम दोपहर 3 बजे से यहां पर सेवा का अवसर प्राप्त हुआ और आज गुरुजनों ने हमें सेवा का अवसर दिया और हमने भगवान की सेवा करते हुए ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और युवाओं से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि जीवन शैली सब अपना बिता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ
भगवान की साथ भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति भी जोड़िए ताकि जीवन और आसान हो जाए और सभी मुसीबतों का सामना करने के लिए भगवान उनका सहायता करें। सरिया से रेशम लाल दीपक की रिपोर्ट, ACN 24।